स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर राजगढ़ शहर को पायदान में आगे लाया जाए, इसको लेकर बार बार नगर पालिका को दिए जा रहे निर्देशों के बाद भी जब उस पर अमल होते नहीं दिखा तो कलेक्टर निधि निवेदिता खुद बुधवार की सुबह 6 बजे शहर में साफ सफाई व्यवस्था को देखने के लिए निकल गई। ऐसे में एकाएक पहुंची कलेक्टर को कई सफाई कर्मी समय पर नहीं मिले, जिसके बाद कलेक्टर ने उन सभी का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि 7 दिन तक यदि यही स्थिति रहती है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। मौके पर मौजूद SDM और CMO को निर्देशित किया कि जितने भी कर्मचारी मास्टर नजर आ रहे हैं उन सभी को दिन में बुलाया जाए और हर वार्ड के लिए 10 से 15 कर्मचारी लगाए जाएं और उनकी मॉनिटरिंग अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी करें। उन्होंने करीब 3 किलोमीटर लंबा पैदल चलते हुए अलग अलग जगह साफ सफाई को देखा। यहाँ व्यापारियों को भी निर्देशित किया गया कि यदि उनके सामने कचरा मिलता है और डस्टबिन नजर नहीं आती है तो जुर्माना लगाया जाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सामुदायिक भवन आंगनबाड़ी की संचालित हो रही है और जिम की संचालित हो रही है। एक जगह पे हमारे प्रातः भ्रमण के दौरान ये बात सामने आई कि एक आंगनबाड़ी भवन में पीछे के एक कमरे में जो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है वहाँ पर एक जिम संचालित हो रहा था, जो कि एक बहुत ही गंभीर लक्ष्य है जिसको न सिर्फ महिला बाल विकास विभाग को बल्कि नगर पालिका को भी ये देखना था। इसमें DBO से मैं स्पष्टीकरण कॉल कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और जो जिस भी व्यक्ति की इसमें जिम्मेदारी तय होगी उसको हम निलंबित करेंगे, उस पर कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।